हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इतने दिनों से कि कब जो है डायट से यूपी टेट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसका मार्कशीट मिलेगा। तो फाइनली जो है जो पीएनपी के जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी सर, उन्होंने सारे जो आपके मार्कशीट है ना वो हर जिले के जो डायट होते हैं वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया है। आपने जिस भी जिले से किया होगा, चाहे आपने गवर्नमेंट से किया है, प्राइवेट से किया है, आपको अपना यूपी टेट का मार्कशीट सेम उसी तरीके से जिस तरीके से पेपर टू का मिला था ना डाइट से, वहाँ पर सारे ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म, यूपी टेट का जो आपने डाउनलोड किया होगा, रिजल्ट्स एंड साथ में फोटो, ये सब कुछ लेकर जाना, क्योंकि अगले हफ्ते से मिलने वाला है। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, बट एक चीज़ अच्छी हुई है कि फाइनली अगर यूपी टेट का जो, आपको पता है कि यूपी बी एड वर्सेज डी एड की वजह से यूपी टेट का जो मार्कशीट है उसको रोक दिया गया था, पेपर टू का तो फिर भी मिल गया, बट पेपर वन को काफ़ी दिनों तक रोका गया। और एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको यूपी टेट देखने को नहीं मिला है। और कल के न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकली थी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है, जिसमें टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी के एग्ज़ाम्स की जो स्केड्यूल हैं आपको चुनाव के बाद देखने को मिल जाएगा, मतलब जुलाई में और या फिर अगस्त में। सेम यूपी टेट का भी एग्ज़ाम आपको अब देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये जो केस हुआ है ना उसके पहले यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है ना वो हर साल होता था। हर साल आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा, बस ये जब बीएड वर्सेस डीएलएड का जो केस है, जब वो सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता ही है, जब उसका जजमेंट आया है तब तक सब कुछ रुका हुआ था, बट अब सेम उसी तरीके से जैसा पहले होता था उसका एग्ज़ाम होगा। तो गारंटी किस चीज़ की है कि आपका टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आपका यूपी टेट इसका एग्ज़ाम हो सकता है, बट सुपर टेट का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है टोटली जो हमारे योगी जी हैं उनके ऊपर कि वो शिक्षक भर्ती चाहते हैं या नहीं। क्योंकि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जो है अपने ट्विटर हैंडल पर भी कोई भी शिक्षक भर्ती रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा उनके जो फादर हैं वो उठे हुए इलेक्शन में, वहां पर भी ऐसी कोई बातें नहीं आई हैं। तो फाइनली जो है आपको यूपी टेट तो देखने को मिल सकता है, बट सुपर टेट की भी प्रिपरेशन करते रहिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे जो है कौन सी गवर्नमेंट होगी। और कांग्रेस ने तो अपने मैनिफेस्टो में तो सब कुछ बताया ही है कि हम जो है शिक्षक भर्ती केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, यूपी में प्राइमरी शिक्षक भर्ती हर एक स्टेट में निकालेंगे, तो आप इसकी तैयारी करते रहो। बट एक चीज़ अच्छी हो चुकी है कि चलो कम से कम ये जो रोक लगा था ना ये हट चुका है, क्योंकि अगर ये नहीं हटता तो शायद आपका यूपी टेट का मार्कशीट भी रुका होता और आपको एग्ज़ाम भी देखने को नहीं मिलता। तो इस साल आपको यूपी टेट देखने को 100% मिलेगा। अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं है तो आप प्रिपरेशन करते रहो। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है। एंड अभी जो है टेस्ट बुक पे सेल चल रही है 27 से लेके 30 अप्रैल के बीच में। आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि जब सेल आए तो प्लीज बताना। 27 से 30 दे धनादन सेल है, और इसमें अगर आप जो है परचेज करते हैं तो आपको आईपीएल की टिकट भी मिलेगी। जीकेसी कोड यूज करना है, 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, चेकआउट कर लेना। अच्छा, इसमें ईयरली जो है मतलब एक साल के लिए आपको पास एंड पास प्रो जो भी आप चाहें वो ले सकते हो। पास आपका 219 का है, बट केवल मॉक टेस्ट मिलेगा, एंड पास प्रो इनका जो है 307 में है, वहां पर आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी हर एक एग्जाम का, आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सारी चीजें। तो चेकआउट जरूर करें, और लिंक इसका मैंने दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है ये अभी का नहीं हुआ है, 4 साल बाद ये मार्कशीट मिलने जा रहा है, वो भी 2021 का एग्ज़ाम। उस समय पेपर लीक हुआ, उसको फिर जनवरी में कराया गया, रिजल्ट इसका आता है अप्रैल में। और प्राइमरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 4,43,000 कुछ अभ्यर्थी शामिल थे। पेपर टू का तो चलो अभी कुछ ही दिन पहले मिला हुआ है, अगर आपने रिसीव नहीं किया है तो आप अपने डाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो इतने समय तक इसको रोक के रखा गया था, और मेन वही था बीएड वर्सेज डीएलएड, ये वाला था विवाद। उसके बाद से आपका वो जो मार्क्स नंबर बढ़ाने वाला था, बट अब ये सारे स्टेज जो लगे थे ना रिजल्ट पे वो हट गया है। और ये कल ही इन्फॉर्मेशन आई है जो पीएनपी के सचिव है ना उन्हीं के थ्रू, कि जो अनिल भूषण चतुर्वेदी सर हैं उन्होंने ही बोला है कि अब सारे स्टे हट चुके हैं, अब हम मार्क्सशीट हैं अलग अलग डाइट्स में भेज देंगे, वहाँ से आप अपना कलेक्ट कर लेना। तो आप सब जितने लोग भी यूपी टेट के मार्क्सशीट का वेट कर रहे थे, जाइए अपने डाइट पे, वहाँ से ले लेना। एप्लीकेशन फॉर्म याद रखिएगा, रिजल्ट एंड फोटो ये अपने साथ लेकर जाना है। तो नेक्स्ट वीक वही मंडे से आपको मिलने लगेगा, आज तो सैटरडे है, संडे है, ऑफ ही रहता है, तो मंडे से आप अपने मार्क्सशीट ले लीजिएगा। और आने वाले समय में आपको यूपी टेट की प्रिपरेशन करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से सारी क्लासेज होंगी, साथ में टीजीटी पीजीटी जिसका भी है वो भी तैयारी करो। अच्छा, बीएड वालों का भी क्वेश्चन आता है कि क्या हम लें, क्योंकि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो, अगर आपने एग्जाम दिया है, आपका क्लियर हो चुका है, तो आप जाकर अपना मार्कशीट जरूर रख लो, क्योंकि आगे का नहीं पता है कि कब क्या चीजें हो जाए। क्योंकि इतने लंबे समय तक बीएड को प्राइमरी में जो है मौका मिला, शिक्षक भी बने हैं, उन्हें कोई हटा नहीं सकता है, और आगे क्या कौन सा रूल आ जाएगी, कौन सी गवर्नमेंट होगी, ये किसी को नहीं पता है। तो अगर आपका एग्जाम क्लियर है तो आप अपने मार्कशीट जो है
उसको रख लो पेपर वन वाला, वहाँ पे ऐसे छोड़े मत रहना, क्योंकि जब 2-3 साल हो जाते हैं तो मिलता भी नहीं है, ठीक है। और अगर कोई करेक्शन होगा तो मान लीजिए आपके यूपीटेट में ना कुछ भी नाम वगैरह मिस्टेक है, तो आप वहीं पर जो है एक फॉर्म आता है और साथ में आपको एफिडेविट वो भी बनवा कर सबमिट कर देना, क्योंकि गलत नाम के साथ आपको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी, मैंने सोचा कि बता दूँ। और मिलते हैं 1 बजे सीटेट की क्लास में एंड 5 बजे बीपीएससी की क्लास में। अगर आपने फॉर्म भरा है तो इसकी तैयारी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।